ओम शांति। 30/5/1973 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है संगम युग पुरुषोत्तम युग। निर्बल को बल देने वाले, विश्व का मालिक बनाने वाले, विश्व कल्याणकारी, विश्व का परिवर्तन करने वाले बाबा बोले, सभी अपने को पांडव सेना के महावीर या महावीरनिया समझते हो? महावीर अर्थात अपने को शक्तिशाली समझते हो? कोई निर्बल आत्मा सामने आए तो क्या निर्बल को बल देने वाले बने हो, या अभी तक स्वयं में ही बल भरते जा रहे हो? दाता हो या लेने वाले बने हो? सर्व शक्तियों का वर्षा प्राप्त कर चुके हो या अभी प्राप्त करना है? अभी तक प्राप्ति करने का समय है या कराने का समय है? महान बनने के लिए मेहनत लेने का समय है या बाप से ली हुई सेवा का रिटर्न करने का समय है? अगर अंत तक किसी भी द्वारा किसी भी प्रकार की सेवा लेते रहेंगे तो सेवा का रिटर्न क्या भविष्य में करेंगे? भविष्य में प्रारब्ध भोगने का समय है या रिटर्न फल देने का समय है? ये सभी बातें बुद्धि में रखते हुए अपने आप को चेक करो कि हमारा अंतिम पार्ट व भविष्य क्या होगा। जब अभी से सर्व आत्माओं को बाबा का खजाना देने वाले दाता बनेंगे, अपनी शक्तियों द्वारा प्यासी व तड़पती हुई आत्माओं को जीदान देंगे, वरदाता बन प्राप्त हुए वरदानों द्वारा उन्हें भी बाप के समीप लाएंगे और बाबा के संबंध में लाएंगे, तब यहां के दातापन के संस्कार भविष्य में 21 जन्मों तक राज्य पद अर्थात दातापन के संस्कार भर सकेंगे। इस संगम युग को पुरुषोत्तम संगम युग व सर्वश्रेष्ठ युग क्यों कहते हो? क्योंकि आत्मा के हर प्रकार के धर्म की, राज्य की, श्रेष्ठ संस्कारों की, श्रेष्ठ संबंधों की और श्रेष्ठ गुणों की सर्वश्रेष्ठता अभी रिकॉर्ड के समान भरता जाता है। 84 जन्मों की चढ़ती कला और उतरती कला, उन दोनों के संस्कार इस समय आत्मा में भरते हो। रिकॉर्ड भरने का समय अभी चल रहा है। जब हद के रिकॉर्ड भरते हैं तो भी कितना अटेंशन रखते हैं। हद का रिकॉर्ड भरने वाले भी तीन बातों का ध्यान रखते हैं। वह कौन सी है? वह लोग वायुमंडल, अपने वृत्ति और वाणी, इन तीनों के ऊपर अटेंशन देते हैं। अगर वृत्ति चंचल होती है और वह एकाग्र नहीं होती है तो भी वाणी में आकर्षण करने का रस नहीं रहता। जिस प्रकार का गीत गाते हैं उसी रूप में स्थित होकर गाते हैं। अगर कोई दुख का गीत होता है तो दुख का रूप धारण कर गीत ना गाए तो सुनने वालों को उस गीत से कोई रस नहीं आएगा। जब हद का गीत गाने वाले व रिकॉर्ड भरने वाले भी इन सभी बातों का ध्यान देते हैं तो आप बेहद का रिकॉर्ड भरने वाले, सारे कल्प का रिकॉर्ड भरने वाले, क्या हर समय इन सभी बातों के ऊपर अटेंशन देते हो? यह अटेंशन रहता है कि हर सेकेंड रिकॉर्ड भर रहा हूं, क्या इतना अटेंशन रहता है? रिकॉर्ड भरते भरते अगर उल्लास के बजाय आलस्य आ जाए तो रिकॉर्ड कैसे भरेगा? रिकॉर्ड भरने के समय क्या कोई आलस्य करता है? तो आप लोग भी जब रिकॉर्ड भर रहे हो तो भरते भरते आलस्य आता है या सदैव उल्लास में रहते हो? कभी अपने भरे हुए सारे दिन के रिकॉर्ड को साक्षी होकर देखते हो कि आज का रिकॉर्ड कैसा भरा है? जैसे टेप में भी पहले भर कर फिर देखते हैं और सुनते हैं कि देखें कैसा भरा है, ठीक है या नहीं, वैसे ही क्या आप भी साक्षी होकर देखते हो? देखने से क्या लगता है? अपने आप को जचता है कि ठीक भरा है
या अपने आप को देखते हुए सोचते हो कि इससे अच्छा भरना चाहिए। रिजल्ट तो देखते हो ना। जो समझते हैं कि सदैव अपने आप को साक्षी होकर रोज चेक करते हैं कि कभी भी चेक करना मिस नहीं होता है, वो हाथ उठाओ। थोड़ों ने हाथ उठाया। अभी चेकर ही नहीं बने हो। जो चेकर ना बना है वो मेकर क्या बनेंगे? भूल जाते हो क्या? टाइम ऊपर नीचे हो जाए यह हो सकता है, लेकिन भूल जाए यह हो नहीं सकता। तो आत्मा की दिनचर्या जो अमृत वेले बनाते हो, फिक्स करते हो, वह चेक करना क्यों भूल जाते हो? या फिक्स करना ही नहीं आता है? आत्मा को दिनचर्या फिक्स करनी आती है? यह तो बहुत कॉमन बात है। इस कॉमन नियम पर भी अगर विस्मृत है तो इसे क्या सिद्ध होता है कि आत्मा अभी तक भी निर्बल है। जो अपने आप को ईश्वरीय नियम, ईश्वरीय मर्यादाओं में नहीं चला सकते, वो क्या विश्व की मर्यादा पूर्वक लॉफुल राज्य को चला सकेंगे? जो संगम युगी राज्यपद के अधिकारी न बने हैं, वह भविष्य राजपद कैसे पा सकते हैं? इस संगठन की टीचर्स कौन हैं? इतनी कम रिजल्ट की जिम्मेवारी, इसे फिर से सुने, इतनी कम रिजल्ट की जिम्मेवार कौन? क्या आए हुए टीचर स्वयं चेकर हैं? कोई हिम्मत से नहीं उठाती हैं? अगर अभी अभी विश्व युद्ध छिड़ जाए तो किसी ने कहा, उसी समय खड़े हो जाएंगे। अगर समय पर खड़े हो जाएंगे तो इसको क्या कहा जाएगा? प्रकृति के आधार पर जो पुरुष चले तो उस पुरुष को क्या कहा जाता है? समय भी प्रकृति है ना। तो यदि पुरुष प्रकृति के आधार पर चलने वाला हो तो उसको क्या पास विद ऑनर कहा जाएगा? समय का धक्का लगने से जो चल पड़े उसको क्या कहा जाएगा? क्या यही सोचा है कि धक्के से चलने वाले बनेंगे? वर्तमान संगठन तो बहुत कमजोर है, मेजॉरिटी कमजोर है। अच्छा, फिर भी बीती सो बीती, लेकिन अभी से आप अपने आप को परिवर्तन कर लो। अभी फिर भी समय है, लेकिन बहुत थोड़ा है। अभी तो बाप दादा और सहयोगी श्रेष्ठ आत्माएं आप पुरुषार्थी आत्माओं को एक का हजार गुना सहयोग देकर, सहारा देकर, स्नेह देकर और संबंध के रूप में बल देकर आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन थोड़ी समय के बाद यह बातें अर्थात लिफ्ट का मिलना भी बंद हो जाएगा। इसलिए अभी जो कुछ भी लेना चाहो वह ले सकते हैं। फिर बाद में बाप के रूप का स्नेह बदलकर सुप्रीम जस्टिस का रूप हो जाएगा। जस्टिस के आगे चाहे कितना भी स्नेही संबंधी हो, लेकिन लॉ इज लॉ। अभी लव का समय है, फिर लॉ का समय होगा। फिर उस समय लिफ्ट नहीं मिल सकेगी। अभी है प्राप्ति का समय और फिर थोड़े समय के बाद प्राप्ति का समय बदलकर पश्चाताप का समय आएगा। तो क्या उस समय जागेंगे? बाप दादा फिर भी सभी बच्चों को कहेंगे कि थोड़े समय में बहुत समय की प्रारब्ध बना लो। समय के इंतजार में अलबेले ना बनो। सदैव यह स्मृति में रखो कि हमारा हर कर्म 84 जन्मों के रिकॉर्ड भरने का आधार है। अपनी वृत्ति, अपने वायुमंडल और अपनी वाणी को यथार्थ रूप से सेट करो। जैसे वह लोग भी वातावरण को बनाते हैं, ऐसे आप लोग भी अपने वातावरण को अपनी अंतर्मुक्ता की शक्ति से श्रेष्ठ बनाओ। वृत्ति को श्रेष्ठ और वाणी को भी राजयुक्त और युक्तियुक्त बनाओ, तभी यह रिजल्ट बदल सकेगी। बदलता तो है ना? क्या ऐसे ही मंजूर है? चैलेंज तो बहुत बड़ी करते हो कि हम 5 तत्वों को भी बदलेंगे, तो बिना चेकर के मेकर कैसे बनेंगे? अभी से कंप्लेन कंप्लीट हो जानी चाहिए। जो समझते हैं
कि अभी से यह कमजोरी छूट फिर अंत तक कभी भी यह न रहेगी, वो हाथ उठावें। इसकी जिम्मेवारी किस पर? कोई ने कहा दीदी पर, कोई ने कहा बाप दादा पर। बाप दादा करेंगे तो बाप दादा पावेंगे। करने के समय बाप दादा पर और पाने के समय? भविष्य पद पाने का त्याग करो तो फिर करने का भी त्याग करो, लेकिन वह कर नहीं सकते क्योंकि मुक्ति धाम के हो ही नहीं। हरेक को अपनी जिम्मेवारी आप उठानी है। अगर यह सोचेंगे कि दीदी दादी व टीचर जिम्मेवार हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि आपको भविष्य में उन्हीं की प्रजा बनना है, राजा नहीं बनना है। यह भी अधीन रहने के संस्कार हुए ना। जो अधीन रहने वाला है वह अधिकारी नहीं बन सकता, विश्व का राज्य भाग्य नहीं ले पाता। इसलिए स्वयं के जिम्मेवार फिर सारे विश्व की जिम्मेवारी लेने वाले विश्व महाराजन बन सकते हैं। विश्व कल्याणकारी बाप की संतान होकर और अपना कल्याण नहीं कर सकते हो, क्या यह शोभता है? यह तो कलयुग के कर्म भोग की निशानी बताते हो कि कोई लखपति है लेकिन एक रुपए का भी सुख स्वयं नहीं ले सकता। तो सर्वशक्तियों के खजाने का मालिक हो लेकिन स्वयं के प्रति एक छोटी सी शक्ति भी यूज नहीं कर पाते हो, इसको क्या कहा जाए? संगम युग पर ब्राह्मणों की क्या यह निशानी है? अभी संगम युगी हो या एक पांव कलयुग में रख दिया है कि कहीं संगम युग पर न टिक सकेंगे तो कहां चले जाएंगे? संगम युग की यह निशानी नहीं है। इसलिए अभी से तीव्र पुरुषार्थी बन, दृढ़ संकल्प लो कि करना ही है और बनना ही है। करेंगे और प्लान बनाएंगे, इसको भी तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहा जाता। क्या प्लान बनावेंगे? क्या बना हुआ नहीं है? त्रिकालदर्शी को तो प्लान बनाने में समय नहीं लगेगा क्योंकि उसको तो तीनों ही काल स्पष्ट हैं। सभी कार्य सेकेंड में हो, ऐसी तीव्र गति अपनी बनाओ। तीव्र गति वाले ही सदगति को पाएंगे। अच्छा, ऐसे उम्मीदवार, बाप दादा के श्रेष्ठ संकल्प को साकार करने वाले, हर संकल्प कर्म और बोल को चेक करने वाले, हर सेकेंड में हर संकल्प में स्वयं का कल्याण और विश्व का कल्याण करने वाले विश्व कल्याणकारी विश्व परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम सभी बच्चों का भी प्यारे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते, ओम शांति।